हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स। मैं संदीप सर। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनका क्या रोल है वो आप सीखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। ये कहता है कि आप किन्हीं भी दो इंटीजर की प्रोडक्ट कीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए आप, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये दो इंटीजर लिए, ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कही तो माइनस प्लस माइनस, 5 3 15, विच इज एन क्या है, इंटीजर। क्या है ये भी, रिजल्ट जो आया वो भी इंटीजर आया। ओके बच्चों, इसी तरह से अब मैं दूसरा सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, -13 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 13 2 जा 26, 26 भी क्या है आपका, इंटीजर। ओके, यही चीज अगर मैं डिवीजन में लूँ, वी नो दैट -12 डिवाइडेड बाई -3, ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर। दोनों को, इंटीजर को जब डिवाइड देता हूं तो क्या रिजल्ट इंटीजर आता है, यस सर। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12, सर माइनस से माइनस कैंसिल। भाई आप ऐसे देखिए ना, माइनस का 12 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए इससे इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 4 जा 12, तो रिजल्ट क्या आया, +4। ओके, तो आपके पास +4, और +4 भी क्या है, इंटीजर है, विच इज एन इंटीजर, बट -3 डिवाइडेड बाई -15। लेकिन अब मैं चेंज कर लेता हूं, अब मैं जिससे डिवाइड दे रहा हूं वो लार्ज नंबर है और ये स्मॉल, तो देखें -3 अपॉन -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या 15 से 3 कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे नो सर, क्योंकि जब कंप्लीट डिवाइड होगा तभी तो आपको इंटीजर मिलेगा, और यहाँ 15 से 3 को आप डिवाइड देंगे तो डेसिमल में मिलेगा आंसर, तो हम कहेंगे विच इज नॉट एन इंटीजर्स। ओके, तब ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन। तो ऐसा हमने कहा है कि जो इंटीजर हैं वो डिविजन में फॉलो नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई में फॉलो करते हैं, लेकिन डिविजन में भी तब फॉलो कर सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, यानी जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं वो स्मॉल हो, ठीक है, या क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर्स। सेकेंड आपके आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे पढ़ें आप। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स गुड इन इंटीजर्स इन जनरल। मैं एक जनरल जो बोलता हूँ, यानी एक आपका फॉर्मूला है कि ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, यानी जैसे कि पहले हमने कहा था भाई 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो वो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है ऐसा। आइए, -7 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21। अब की बात, 3 फर्स्ट लिया, सेकंड पे 7 लिया, तो अभी क्या आया मेरा, 7 3 जा 21। तो दोनों प्रॉपर्टी क्या है, जब हमने चेक करा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे इसे। ओके, सेकेंडली इंटीजर्स डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, लेकिन ये डिवाइड में फॉलो नहीं करती है, जैसे अभी ऊपर आपको समझाया था, तो हमने लिख दिया है, केवल याद रखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होल्ड है ना कि डिविजन में, क्योंकि आप 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और 7 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ओके बच्चे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को नॉट इक्वल टू लिखा है। एग्जाम्पल डिवाइड वाला देखिए आप, मैंने -8 4 से डिवाइड दूंगा, तो जब 4 से आप -8 को डिवाइड देते हैं तो -2 आएगा, भाई 4 2 जा 8, माइनस का माइनस। लेकिन अगर -8 से आप 4 को डिवाइड दें
तो 1/2 आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना रिजल्ट आया 1/2 और माइनस का। अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड दूंगा तो भी क्या होगा, केवल डेसिमल में आंसर आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि डिवीजन में जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं करती। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको ध्यान दें आप। इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी, आप क्या करें, आप 3 इंटीजर्स ले लीजिए, हमने ए बी सी लिया, तो जो आपका रूल्स बना ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू होगा ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी। यानी अगर स्टार्टिंग के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट है तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद लास्ट के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट आना चाहिए। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, एक यहाँ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, मैंने ये लिखा। सपोज आपका ब्रैकेट यहाँ स्टार्टिंग में है तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव को, तो आपका ये ब्रैकेट यहाँ, तो ये कहता है कि ये दोनों रिजल्ट इस तरीके से सेम आएंगे। अगर अब की बार स्टार्टिंग में ब्रैकेट यहाँ है लास्ट के 2 इंटीजर्स में तो वो यहाँ स्टार्टिंग में मिलता है। ओके बच्चों, तो इन ब्रैकेटों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान देना है कि भाई पहला कहाँ है तो हम दूसरा कहाँ शो करेंगे। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल, वी कंसिडर -7 -3 एंड 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सबसे पहले मैं एलएचएस में फॉलो करूंगा, फिर मैं आरएचएस में फॉलो, या आप दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए के कितना -7, बी में कितना -3, मल्टीप्लाई लगा दी और ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले ही यूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ मिडिल ब्रैकेट लूंगा, ये मिडिल ब्रैकेट सोचें आप। ओके, मल्टीप्लाई सी, तो ये मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए कितना है -7, बी कितना है -3, सी कितना है 4, ब्रैकेट लगा दिया। ओके, अब एलएचएस और आरएचएस को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा, ये ध्यान रहे कि इधर से उधर या उधर से उधर नहीं होना चाहिए, तभी मैं इसे कहूंगा कि ये ट्रू है या नहीं रिजल्ट। आइए -7 -3, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 4, और 21 4 जा 84। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन, 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस 12 7 जा 84, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी राइट है। ओके, ये आपका रूल्स हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। क्या डिविजन में फॉलो करती है, तो आप कहेंगे नो सर, क्योंकि यही कंडीशन, देखिए यहाँ मैंने सीधा लिखा है इंटीजर्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, तो ए डिवाइडेड बी ब्रैकेट डिवाइडेड सी नॉट इक्वल टू आएगा इसके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ए लिया माइनस के 24, बी लिया 6 और सी लिया -2। सबसे पहले मैं इसमें रखता हूँ। ओके बच्चों, ए 24 बी 6 डिवाइडेड बाई 2, इससे जब इसको डिवाइड दिया तो माइनस के 4 आया, डिवाइडेड -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 4 को डिवाइड दिया 2 आया, रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको लेके चलता हूँ आरएचएस को, -24 डिवाइडेड बाई ए बी सी की वैल्यू रखने पर 2 से 6 को डिवाइड दिया -3, और माइनस माइनस प्लस यानी कैंसिल हो गया, और 3 से इसे डिवाइड दिया तो 8 आया। तो ये रिजल्ट और इस रिजल्ट, क्या ये इक्वल आए, तो हमने कहा नॉट इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है।
ओके बच्चों, तो आपको इस तरह से और भी एग्जाम्पल लेके करना है और अपना सीखते हुए चले जाएं। वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखें, सुने, समझें उसे, ओके। और ये सब काम आप अपनी फेयर नोटबुक पे भी करते हुए चलें साथ साथ। ऐसा ना हो कि आप इसे केवल देखें, समझें, सुने और नोट ना करें, ठीक है? आप नोट कर लेंगे तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो फेयर कॉपी में ये सभी डेफिनेशन, ये और इससे पहले जितने भी हैं, सब आपको नोट करनी है, ओके बच्चों। थैंक यू।